देखो मैं ये गल कुछ दिन पहला भी कही सी भी लोग गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी का बदला लैण लई किसी हद तक भी जा सकते हैं, पर दुख उदों होया प्रकाश सिंह बादल ते होम मिनिस्टर उस वेले दे सुखबीर सिंह बादल उन्होंने भी की दोष आ, यही है ना भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई, पर उदों बाद जिहड़े दादूवाल साहब उस गलों उत्थे बैठे ने लगातार ये कह रहे हैं भी असी धरना लाया होया, पर उन्होंने बादल च की फर्क होया। ईडी इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिहड़ा कि एक एक पाई पाई दे पैसे ते निगाह रखदे आ भी बाहरों किन्ना पैसा आया कित्थों आया, उन्हें एक बहुत गंभीर नोटिस आ जिहड़ा वह दादूवाल साहब नूं पिछले दिनों च पहुँचाया, जिहड़ियां बहुत वड्डे इंग्लिश पेपर्स दे विच उह सारी स्टोरियां जिहड़ियां है वह कवर होईयां है ते होर अखबारों के भी हुई है, उन्होंने नोटिस भेजिया भी पिछले दिनों जदों की बेअदबी का मामला आया जदों के तुसी धरने ते बैठे हो थोड़े छे बैंकों के 20 करोड़ की उत्ते ट्रांजैक्शन आ, वो पैसा किहड़ियां एजेंसियां तो आया किहड़ा मुल्कां तो आया वो पैसा क्यों आया, जिहड़े आदमी ने साध बन गया जिन्हें चोला पा लिया उहदे छे छे बैंक अकाउंट होण ते करोड़ां रुपया उहदे बैंक खातियां च होवे लग्जरी गड्डियां कारां होण ते मैं समझदा ये भी बहुत बड़ा धोखा है भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले नूं लै के तुसीं धरने ते बैठे होण ते पिछे पैसों का बेहिसाब जिहड़ा तुहाडे कोल कोई हिसाब ना होवे ते तुसीं ये कहो भी मेरे सीए तो पुछो सीए कौन रखदा है, कोई आम आदमी सीए नहीं रख सकता, कोई आम संत महापुरश बाबे सीए नहीं रख सकते, सीए बड़े बड़े अंबानी टाटा अर्गे या होर इंडस्ट्री ना जिहड़े कारोबारी ने वो सीए रखदे, तो तुसीं ये कह रहे हो भी मेरे बैंक खातियां दा पैसों का हिसाब सीए तो लो, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं पहला भी ये गल कही सी भी उत्थे बह बह ये बड़े बड़िया धमकियां देंदे आ बड़े बड़े उत्थे संतां नूं महापुरशां नूं होरां दे जिहदे उल्ट भी जी करदा बोलदे ने उत्थे बह के उहदे स्पीचां करदे आ, पर मैं ये बार बार कहना क्यों साडी भी ड्यूटी आ लोकां नूं दसना भी जिथे तक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला वो हिसाब सरकार ते पंजाब दे लोग लैके रहणगे, हुण एस आई टी ने सद लिया है बादल परिवार नूं जाना पएगा मूहरे जवाब देना पएगा ते इस करके बच नहीं सकना, हर गल कल्ली कल्ली मूहरे आ जाएगी, पर इस गल का भी दुख होया भी तुसी दादूवाल साहब जरूर थोनों पाई पाई का हिसाब देना पएगा, नहीं एजेंसियां मुल्क का कानून आ जिहड़ा वह तुसी भी उस घेरे च आ चुके हो भी एडा कित्थों पैसा थोड़े को आया करोड़ों की गिणती च जिन्हें चोला पाया होवे बाबे बने होण ते पिछे एडे बैंक खात्यां च सीए रखे होण, ते इस करके दुख की गल आ मंदभागी गल आ भी तुसी भी गुरु के नाँ ते गुरु का नाँ लैके तुसी पिछे अपने खाते भर रहे हो अपने बैंक भर रहे हो, इहदा जवाब आ जिहड़ा मैं एजेंसियां नूं भी कहूँगा पुलिस नूं भी कहूँगा जे ईडी ने यह गल की तो जल्दी तो जल्दी जिहड़ियां साडियां एजेंसियां पंजाब दियां उहदे उहनां नूं भी जल्दी तो जल्दी इस जिहड़ा की बैंकां च कित्थों पैसा आया किहने भेजिया की मनसूबे आ उहदी तह तक जाणा चाहीदा है, ते क्योंकि इह पंजाब दी सुरक्षा दा मामला है पंजाब दी अमन शांति दा मामला है ते दादूवाल साहब दी छानबीन बहुत जरूरी आ भी इह पैसा कित्थों आया किस लई आया ते क्यों इन्ना पैसा आया, जिहड़ा बाबा होवे साध होवे उहनां नूं की मतलब पैसिआं नाल की उहनां नूं सवादां नाल मतलब, पर इह मैं समझदा सारीआं चीज़ां भुल के बादल साहब वाले ते बादल दे टब्बर दे राह ते पै गए, जिमें बादल होना ने पैसा कमाया इन्हों का भी मन करता भी उस तरीके असी लाइफ स्टाइल जोईए उस तरीके साढ़े को पैसे आन तो यह भी गलत राह तुरे ने, पर असी इस चीज़ में तुर नहीं देवे बर्दाश्त नहीं करे पंजाबी भी गुरु के नाँ पर असी ठगी नहीं लाने देनी। देखो ये पैसा जदों कोई बाहरों एजेंसियां भेज रही मुल्क भेज रहे ऐसे बंदे भेज रहे तो वह पैसा वैसे तो भेजन नहीं लगे किस चली दे रहे दादूवाल साहब नूं पैसा हो इन्ना तो कोई ना कोई गलत मोटिव पिछे लैके मनसूबे लैके भी जदों गल नूं किधरे होर पासे देश दे ते पंजाब दे उल्ट घमाउण नूं सरकारां दे उल्ट घमाउण नूं उह पैसा दे रहे आ ते फिर जदों एडा बड़ा पैसा आ जांदा ते उह जदों बैठे उत्थे बाहर उह अपने तुणकियां नाल नचाउंदे आ, इह हालात नाल मंड साहब बैठे आ मैनूं पता मंड साहब मैंबर पार्लीमेंट भी रहे आ ते माड़े दिनां चों निंगे आ, वह कदे भी ऐसी बयानबाजी नहीं करते उन्होंने बैंकों कोई खाते च पैसा नहीं गा कोई वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दौरे, पर दादूवाल साहब नवें ने इन्होंने वो टाइम नहीं देखिया जदों मंड साहब उन्हां ने हालातों चो निंगे उन्होंने पता भी मुल्क टुटन लगे किवें बचिया है, तो इस करके दादूवाल साहब हजे नवें ने नवा ना चाओ नवें नवें भाषण देंदे आ जिहड़ा वो पैसा आया, मैं यही कह रहा भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी हो रही आ
सब तो बड़ी एजेंसी है ईडी जी इतने तक पहुँच गई, उन्हें नोटिस देता, बाकी एजेंसियां भी जरूर छानबीन कर लगियां हूँ। पर जब तक मेरा मैनू यह लगता भी जदों इन्ना वड्डी रकम च उन्होंने पैसा पहुँचाया, यह तो बैंकों चा होर पैसा जिहड़ा गलत ढंग ना कैश पैसा जां होर इन्हां दे जिहड़े इर्द गिर्द लोग ने उन्हां दे खातियां च किन्ना पैसा गया हो तुसीं अंदाजा लाओ, 20 करोड़ तां कल्ले इन्हां दे खातियां च। ते उह राशि मैं समझदा जिवें केजरीवाल बाहरों पैसा उस वेले पंजाबियों तो गुमराह करके लुट के लै गए सैकड़े करोड़ों, उस तरीके ने यह भी कर रहे हैं। तो ये कितने ना कितने फिर वो तुणका बाहरों अपनी मर्जी ना हिलाते हैं तो अपनी मर्जी ना इन्हों वरतते हैं। 100% मैं तो ही थोड़े मूहरे भी ये गल रख लग्या, मैं ये गल बार बार एक कही आ, मैं गल एजेंसियां भी तो पुलिस नूं भी मैं मिल के भी ये गल करन आने वाले दिनों करूँगा भी भोग लगे भी हुए आ। जदों ईडी सब तो बड़ी एजेंसी है, ईडी ने अपने आप ही पंजाब गवर्नमेंट नूं अगाह कर देना, अपने आप ईडी ने दस देना भी आ ट्रांजैक्शन इन्नियां भारी हुई, ये पिछे की मनसूबे आ, पर जरूर पंजाब सरकार इस दे विच डुंघाई नाल जाएगी।